नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने आज 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर का भी उन्होंने नए परिसर का लोकार्पण किया है। बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट 58 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुआ है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि हमेशा से वैज्ञानिक की रही है, क्योंकि यहाँ पहले से कहा जाता रहा है कि खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ज़्यादा होती है। मोदी ने बताया कि फसलों की नई वैरायटी मौसम की मार से निपट सकती है, साथ ही पहले से ज़्यादा पोषक भी है। उन्होंने कहा कि बीते 6 से 7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में। नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। कहा गया कि रबी सीजन में 430 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि आज एक महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम होने जा रहा है। 35 नई फसलों की वैरायटी को देश के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। दूसरे ट्वीट में पीएम ने यह भी जानकारी दी थी कि इन नई फसलों की वैरायटी को ICAR ने काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को कम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने मेहनतकश किसानों से भी बात करने वाला हूं, और उन्होंने इस कार्यक्रम में बात भी की। आज पीएम ने कई तरह की फसलों की सौगात देश को दी है। इस लिस्ट में चने की ऐसी फसल भी है जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी तैयार किया गया है। इसके अलावा बाजरा, मक्का, बकवीट जैसी फसलों की अलग वैरायटी भी देश को मिलने वाली है। वैसे इन फसलों के अलावा पीएम मोदी ने कृषि विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने उन किसानों संग भी संवाद किया जिन्होंने खेती बाड़ी में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। इस खास मौके पर केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब से पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला, तब से कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 99,000 करोड़ किसानों को देने हो, या पीएम किसान सम्मान निधि से 1,58,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में देने हो। गौरतलब है कि फसलों की 35 विशेष किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की है। यह विशेष किस्में जलवायु और अन्य समस्याओं से निजात दिलाएगी। अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, राज्य और केंद्र कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान ने मिलकर कर रहे हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।